नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी इन दिनों कई स्ट्रेटजीज पर काम कर रही है, लेकिन इस बार एक ऐसी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए यह फॉर्मूला 100% नहीं बल्कि 200% काम करेगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दावा लगातार आज समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। खुलकर इस स्ट्रेटजी पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, ना ही इसको लेकर डिस्क्लोज अभी तक किया जा रहा है, लेकिन असलियत ये है कि अभी इसी स्ट्रेटजी के तहत ही लगातार समाजवादी पार्टी काम कर रही है। तो आइए इस स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताते हैं। आप पिछले कुछ दिनों में लगातार देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी में कई नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन करने का सिलसिला शुरू किया और ये सिलसिला थमने का नाम फिलहाल नहीं ले रहा है। लगातार कई नेता कई अन्य पार्टियों से समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। अब इसकी वजह बड़ी साफ है। समाजवादी पार्टी का ये दावा है कि इसकी वजह यह है कि लोगों को समाजवादी पार्टी में बेहतर भविष्य नजर आ रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2022 में बाईसाइकिल आने वाले, यानी कि सत्ता के सिंहासन पर अखिलेश यादव विराजमान होंगे। इसी उम्मीद के साथ में लगातार कई नेता समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी का ये दावा है, लेकिन आपको हम बताते हैं एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि ये समाजवादी पार्टी के फॉर्मूले का हिस्सा है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये कैसा फॉर्मूला हो गया, आप अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, अब इसमें ऐसा कौन सा बड़ा फॉर्मूला है, ये तो बहुत ही आम बात है। दल बदलुओं का सिलसिला देखने को मिलता ही है चुनाव की करीबियों के चलते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये बहुत ही खास फॉर्मूला है, बहुत ही एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है। भले ही बीजेपी के लोग ये कहें कि ये लोग जो अभी समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं हमारे लोग, ये हमारे किसी काम के ही नहीं, इसीलिए हम इन्हें पहले साफ करें, ये समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये लोग हमारे लिए यूजलेस हैं। चलिए, ये तो बीजेपी की बात हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के फॉर्मूले की क्योंकि हम आपको बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अपने हर बूथ पर लोगों को रखना चाहती है और इसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी काम भी कर रही है। और आप बखूबी इस बात को जानते हैं कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ता का होना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आप सोचिए समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से जितनी तेजी के साथ में चाहे छोटे नेता जुड़ रहे हो या फिर बड़े नेता जुड़ रहे हो, सिलसिलेवार तरीके से जो भी नेता जुड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है किसी का अपना कोई ना कोई तो देखिए वोट बैंक है ही। अब ऐसे में जब वो जुड़ेगा समाजवादी पार्टी के साथ में तो उसका वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। अब अगर बूथ स्तर का कोई नेता होगा तो जाहिर सी बात है बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी का अपने आप में ही आप ये लगा लीजिए कि एक जो रूट है वो वहां पर आ गई। अब इसी के जरिए ही समाजवादी पार्टी को इससे फायदा मिलेगा। तो समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला ये है कि चुनाव आने से पहले हर बूथ पर अपने अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर दिया जाए। अब इतने कम वक्त के अंदर नए नए बूथ कार्यकर्ताओं को चुनना, और ये लंबा प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर में टाइम लगेगा, और अगर एनर्जी यहाँ पर फिलहाल पूरी की पूरी फोकस कर दी जाती है यानी इन्वेस्ट कर दी जाती है तो बाकी की एनर्जी कम रह जाएगी और चुनाव के हिसाब से वो एनर्जी अभी कम पड़ेगी। तो समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा जबरदस्त तरीके से फॉर्मूला निकाल लिया कि जो लोग आ रहे हैं उनका अपना अपना एक पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है उसको क्यों ना यूटिलाइज किया जाए, और उसी के जरिए क्यों ना इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई जाए। क्योंकि जिस तरीके से लोग बड़ी तेजी के साथ में आ रहे, अगर पिछले सप्ताह की बात करते हो सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं, और इसी बात से समाजवादी पार्टी के लोग बेहद गदगद भी हैं। देखिए, बात अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी के पूर्व बड़े नेता और पूर्व मंत्री की बात करते हैं राजेंद्र चौधरी की, तो राजेंद्र चौधरी भी ये दावा कर रहे हैं कि हम एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ में काम कर रहे हैं। और अभी देखिए छोटी ये बात लग रही होगी बीजेपी को या अन्य पार्टियों को, ये बहुत छोटी बात लग रही होगी, लेकिन ये छोटी छोटी बात बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यही तो स्ट्रैटेजी है कि पता भी ना चले और जब बात आए काम की तो काम ऐसा हो जाए कि जबरदस्त तरीके से धमाका हो जाए। इसी जबरदस्त धमाके के लिए यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी पर लगातार पूरा फोकस समाजवादी पार्टी कर रही है। अब एक और खास बताते हैं आपको। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसी बहुत सारी कहावतें आपने सुनी होंगी। तो इसी कहावत के मुताबिक समाजवादी पार्टी काम करते हुए सत्ता के सिंहासन तक समाजवादी पार्टी को पहुंचाना चाहती है।